हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मनीषा तोमर ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिनमें हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ एटम। एटम क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एंड इट द यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मोस्टली इट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो एटम क्या होता है? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का। कोई भी मैटर एटम से मिलकर बना हुआ होता है और ये इंडिपेंडेंट, इसका एग्जिस्टेंस एटम का इंडिपेंडेंट होता है। दैट मीन्स इट कांट बी ब्रेकेबल। ये ब्रेकेबल नहीं होता है और किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एवरी केमिकल रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एटम्स। नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, इसीलिए इंडिपेंडेंटली होते हैं एंड दे कैन बी ब्रेकेबल। एटॉमिक मास, व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज़ द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप टेकन एज 12। एटॉमिक मास होता है, एवरेज रिलेटिव मास होता है इसके, किसी भी जिनके भी हमें मास निकालना है इट्स एटम्स का, जो कि कंपेरेटिवली मास होता है C12 आइसोटोप का। हमें पता है C12 के C12, C13, C14 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर दोज स्पेसीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास यूनिट AMU। द ए मास एग्जैक्टली इक्वल टू वन ट्वेल्थ द मास ऑफ कार्बन ट्वेल्व। यानी कि 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.6606 × 10⁻²⁴ kg। डियर स्टूडेंट, ये चीज़ आप याद रखें, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपसे कई बार यूज़ होता है। 1 AMU को kg में कन्वर्ट करना है तो आपका किसके बराबर होगा? 1.66 × 10⁻²⁴ के। नेक्स्ट, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम्स। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम, 1 ग्राम एटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट हुज मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। नंबर ऑफ ग्राम्स एटम्स इज इक्वल टू होता है मास इन ग्राम्स अपॉन ग्राम्स एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ ग्राम्स को हम देख लेंगे। नेक्स्ट वन इज़ इक्विवेलेंट वेट। ये आपको कई बार यूज़ करना होता है, जैसे कि सॉल्यूशन में आपको कई बार यूज़ करना होता है चैप्टर में। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू होता है एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन वैलेंसी। ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ भी है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन ग्राम इक्विवेलेंट वेट एंड ग्राम एटॉमिक मास एंड एनर्जी, सॉरी एंड वैलेंसी। तो ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, यानी कि ई, और अगर हम इक्विवेलेंट वेट की फॉर्म में लेंगे, इक्विवेलेंट वेट को हम ई से डिनोट करते हैं, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा A/V, वेयर ए इज़ द ग्राम एटॉमिक मास एंड वी इज इक्वल टू वैलेंसी। और अगर आपको ए कैलकुलेट करना है तो आपका क्या होगा? E/V, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एटम अपॉन इनटू वैलेंसी। मॉलिक्यूलर मास, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द गिवन सब्सटेंस एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन। मैंने ये पहले अभी बताया है आपको कि क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, क्या होता है सब्सटेंस का वो एवरेज एंड रिलेटिव मास होता है, जो एक सिंगल मॉलिक्यूल में से सब्सटेंस के वो 1/12 कार्बन के मास के, 12th कार्बन के मास के नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होता है। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होता है एक्चुअल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ C12 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू होता है मास इन ग्राम्स अपॉन, सॉरी, मास इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मोल इज द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट एंटिटीज लाइक एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स एज
देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी 1 मोल इज इक्वल टू होता है एवोगाड्रोज नंबर हुज वैल्यू इज 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हो, आयन्स हो या मॉलिक्यूल हो। मोलर मास, द मोलर मास ऑफ वन मोल ऑफ ए पार्टिकल पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। अगर किसी एंटिटी के वन मोल पार्टिकल्स के मास को एक्सप्रेस्ड हम ग्राम में करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू होता है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू होता है वेट ऑफ दैट एलिमेंट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट मोलरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन लीटर्स। मोलरिटी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट विच इज इक्वल्स टू, यानी कि मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास इन किलोग्राम इन किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों से एमसीक्यू में, विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या विच वन आउट ऑफ देम इज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप हर बार नोट करते जाइए, यहाँ पे मोलरिटी चेंज नहीं करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है। नॉर्मलिटी द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, दैट इज विद चेंज इन टेम्परेचर नॉर्मलिटी विल बी चेंज। रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होता है नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू हो जाएगी, मोलरिटी इक्वल्स टू हो जाएगी नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और अगर नॉर्मलिटी निकालेंगे तो ऐसे आएगा। नेक्स्ट वन इज मोल फ्रैक्शन विच इज इंडिकेटेड बाई साई, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन कंपाउंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोल फ्रैक्शन इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पर। रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट एंड वैलेंसी, तो क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। ड्यूलॉन्ग एंड पेटेटिस रूल क्या होता है, फॉर एन एलिमेंट एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू होता है 6.4, जो कि एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, और अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 6.4 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक हीट। एम्पेरिकल फॉर्मूला, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का क्या होगा, CH2 का होल CH2O। अगर आप देखते हैं CH2O है तो यहाँ पे अगर ग्लूकोज में आपको पता है N की वैल्यू 6 है, तो आप सभी के साथ 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा C6H12O6, जो कि क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। एंड CH2 इज़ द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट इज़ द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। जैसे कि आप देखते हैं ग्लूकोज इज C6H12O6, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड फॉर्मूला, तो n इज इक्वल टू होता है, n क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला।
वेयर एन इज़ एन ई नंबर 1, 2, 3, 4 एंड मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्म कैसे निकालेंगे, मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, जो भी आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसका मास निकाल लेंगे और मॉलिकुलर मास, जैसे कि आपको ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला पता, ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो ग्लूकोज का मास कितना होगा, C6 माइनस 12 सिक्स जा 72 प्लस 12 74 एंड 16 इंटू 6, इसको देख लीजिए, आई थिंक 180 आएगा होगा इसका। तो आप क्या करेंगे, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है CH2O, CH2O का मतलब है 12 प्लस 2 14, 14 और 16 30, तो 30 से डिवाइड करोगे तो आपको मिले 180 को, तो आपको मिलेगा 3 6 18, यानी कि आपको 6 मिल गया एम्पेरिकल फॉर्मूले में। अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल फाइंड मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 है, तो हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करने पर C6H12O6, विच इज़ मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला, देर आर सम स्टेप्स ऑफ स्टेप्स टू कैलकुलेट द और एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। नंबर फर्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, सभी के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करोगे, डिटर्मिनेशन ऑफ सिंपलेस्ट मोल्स रेशियो, देन होल नंबर ऑफ रेशियो, एंड लास्ट में आप क्या करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला पता करने के लिए क्या करना है, आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाले, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आपको पता है, उसके बाद मास, मॉलिकुलर मास का डिटर्मिनेशन करेंगे, और उसके बाद आप पीएच वैल्यू निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे, एन की वैल्यू आपको पता ही है फॉर्मूला क्या यूज़ करना होता है, लास्ट मॉलिकुलर फॉर्मूला कर लेंगे। तो स्टूडेंट, मैं इसके से एम्पेरिकल फॉर्मूला से कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। आज मैंने डिस्कस किया जिन टॉपिक्स को, प्लीज़ उनको एक बार लर्न कीजिए, मॉलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, क्या रिलेशन होता है मोल फ्रैक्शन का डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, मोलरिटी नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन होता है, नॉर्मलिटी क्या होती है, मॉलिकुलरिटी क्या होती है, मोल कंसेप्ट क्या होता है, इन सब के बारे में आज हमने स्टडी किया। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक तो लाइक करें, और शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।